महागठबंधन की सरकार है उन सारे अवरोधों को दूर करने में लगी हुई है कितना और समय सरकार लगेगा दूर काफी करने में वहां गंभीर से, है, यानी काफी कितना समय गंभीर लगेगा दूर है। करने में? नहीं, कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत ही होता है। प्रक्रिया मतलब कितना समय प्रक्रिया में लगेगा, थोड़ा सा किस भी आपकी इस प्रक्रिया में आपकी कितना समय बेचैनी, अरे लगेगा? पांडे जी, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूं, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूं। आप जो आप लोगों का जो मैंने परेशानी है उसको मैं महसूस कर रहा हूं, हाँ लेकिन प्रक्रिया कोई भी अगर प्रक्रिया के आप देखिए छठा चरण में क्यों इतना समय लगा, आप उसको तो हाँ देखिए। दूसरी सब बात, सब सब कई अरे सर, लोगों इस का प्रक्रिया को दूर फायदा करिए होगा, ना। मैं तो जवाब यही नहीं कह रहा, दिए पांडे देखिए ऐसा जी। तो नहीं कि आप लोग चुन के आप आए हैं, लोग दोबारा कहते पूरे हैं सिस्टम जनता को की रिन्यू कर रहे हैं। एक सेकंड सर, गगन साहब, नहीं, तो चितरंजन जी, अगर आप पूरे सबको सिस्टम इतना को तो दुरुस्त जनता कर ने दूर रहे किया हैं, ये सिस्टम चलता आ रहा। मुख्यमंत्री आपके वही हैं, जाहिर से बात है, इस चीज को और आगे कंटिन्यू करना है जब कमिटमेंट आप लोगों ने किया था। मैं तो ये भी कह रहा कि अगर आप लोगों को ये भी लग रहा कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने लगेगा, तो कम से कम इनसे डायलॉग तो करिए, बातचीत तो करिए, इनको बुलाकर नहीं, समझाइए तो सही सर। हाँ संजय जी डायलॉग क्या करना है? मैं जब सर परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ, उनसे हाँ ज्यादा मैं समझ रहा हूँ। जो अभ्यर्थी हैं उनको तो है कि हमारी नौकरी मिले। हम हाँ मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या बाधाएं उसमें आ रही है, क्या हाँ क्या बाधाएं उसमें है। अभी आपने जो है सो जो इंटरव्यू लिया, अभी जो साथी चाय बेच रहे थे उनका, हाँ उन्होंने क्या कहा कि जो एकेडमिक की जो उनका कैरियर है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है हाँ उसके कारण वे छंट गए छठे चरण में। हाँ यह भी एक समस्या है हाँ संजय जी, यह भी एक समस्या नहीं, है मुझे कि इस सवाल के नहीं, जवाब दीजिए सर। इसको दुरुस्त करिए, आप लोग क्यों बैठे, इसीलिए तो बैठे हैं सत्ता में ना सर। लेकिन एक चीज दुरुस्त बताइए, आपने दुरुस्त कहा कि कोई सिस्टम नहीं, काम करेगा, सिस्टम के अरे हिसाब से चीजें होती कोई है, बताइए ना दुकान मुझे। का चीज एक नहीं सेकंड है रुक जाइए संजय जी सर। की, गए दुकान में चितरंजन हम जी, ये खरीद के बताइए, लेके तब तक चले क्या ये आए। बच्चे चाय बेचें? जितने बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, ये चाय बेचें, खीरा लगा लें, इसके पकौड़े लिए बेचें? मैं तो कह रहा हूं कि इसके लिए जो सबसे पहल कर रहा है, जो सरकार सबसे पहल कर रही है, जिसने बिहार मॉडल लाकर जो सो केंद्र सरकार को बाधित कर दिया कि वो अभी जो है सो आज बेरोजगारी का सवाल उठा रहा है, उनके द्वारा भी आज फर्जी ही क्यों ना सही तो ये बच्चे बेरोजगार किससे मेला मांगे, लगाया जा प्रधानमंत्री जी से रहा है जाके और नौकरी मांगेंगे या आपसे उसका मांगेंगे? दावा खड़ा कर रहे हैं। बिहार के युवा किससे नौकरी मांगेंगे सर? प्रधानमंत्री जी से जाके बोले, दिल्ली में जाके बैठे कि हमको नौकरी दीजिए, या बिहार के सरकार से मांगेंगे नहीं, ना? बिहार केंद्र सरकार के अधीन है या नहीं है? हाँ, तो आज यह आपकी मतलब बेरोजगारी सरकार की समस्या क्यों जिम्मेदारी इतना नहीं पैदा है, हुआ? नहीं, सरकार की आज यह जिम्मेदारी नहीं बनती है, बेरोजगारी सब कुछ समस्या क्यों केंद्र की पैदा बनती है हुआ? फिर? क्यों नहीं, नहीं, क्यों सरकार की, बेरोजगारी राज्य क्या सरकार क्यों की जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारी बनती है अभी फिर? आ? नहीं, आपको संजय जानकारी आपको नहीं है अरे कि शिक्षा महाराज, मद में यही शिक्षकों तो का दिक्कत वेतन है, दिया यही तो जाता दिक्कत है। है कि सीधे सीधे उठा के आप लोग पत्रकारों पर और जर्नलिस्ट पर, एंकर पर चढ़ नहीं, जाते, क्या इसलिए इसलिए कि क्या आप जवाब जानकारी नहीं नहीं है, देते बताइए हैं, ना फिर। आप जवाब अगर देने आपके वाले सवाल नेता, है। आपके नेता या पिछले सरकार में जो लोग थे या बीजेपी के भी नेता कमिटमेंट करते, तो कुछ सोचकर तो करते होंगे, वरना एक नहीं लाइन तो बोलना चाहिए मन संजय से जी, कि जाइए मैंने मोदी जी पहले से मांगिए, कहा कि जाइए मैं क्या जुमलेबाजी नाम है, करने राहुल वाला गांधी से आरोप मांगिए नहीं नौकरी। है, जुमलेबाजी कर दिए, हाँ जुमलेबाजी में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम तो धरातल पर काम सर, करने मुझे यही वाले तो हैं। बता दीजिए, हमको ये बच्चे, नौकरी इनको देना है ठोस तो नौकरी आश्वासन तो दीजिए, देंगे। इनसे डायलॉग तो करिए, इनको कहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो इतने संजय दिनों जी, में कर देंगे। अरे बराबर डायलॉग हो रहा है क्या? कम नहीं डायलॉग हो हाँ रहा है? ठीक है ठीक है डायलॉग ठीक है, कम नितेश नहीं हो पांडे रहा जी, है? नितेश पांडे, आप पूरा फ्री हैं जब चाहें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीच में आपको लगता है दरअसल आरजेडी हो, महाशय बीच में जब भी देखिए, लगे आपको सवाल है तो आप तुरंत चित्रांजन पूछना। की चित्रांजन गगन जी हमारे गार्जियन है, वरिष्ठ नेता भी हैं। हाँ इनका ही कमिटमेंट था कि दिसंबर में आप लोग का नियोजन हो जाएगा, हाँ यहाँ तो अरे अभी विज्ञप्ति नहीं मिल नवंबर रहा है, अभी है आप कहाँ बेचैन हैं? अभी नवंबर है, हाँ आप बेचैन क्यों हैं? हाँ अभी भी अभी भी मतलब मैं कह रहा हूं, और अगर विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको पॉलिटिकलाइज नहीं कीजिए। हाँ पॉलिटिकलाइज कीजिएगा तो उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। अरे सर, संजय जायसवाल ओ नहीं देखिए नौकरी, देखिए, खुले नहीं परेशानी बोलते क्या बढ़ जाएगी, ये धमकी है क्या, परेशानी क्या बढ़ बिना जाएगी, इंतजारों का परेशानी क्या नौकरी बढ़ है, जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी? एक जिसके सेकंड गलत चितरंजन जी, आज परेशानी क्या बढ़ यूपी जाएगी, इस नौकरी नहीं स्थिति में मिलेगी, पहुंचा है। नौकरी नहीं मिलेगी क्या, परेशानी क्या बढ़ जाएगी? अरे सर, यूथ ये हैं, चुनाव में आप लोगों को भी जाना होगा। खुलेआम धमकी हो गया ये तो। नहीं, मतलब संजय हम लोग जी, अभ्यर्थी, अब मतलब चुनाव आंदोलन भी नहीं चुनाव करें। के लिए भाजपा, चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा ही हो सकता है हाँ नौकरी बेरोजगारी, हाँ चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा हो सकता है, हाँ हम राष्ट्रीय लोग को भी जनता चुनाव दल लड़ना का है, तो चुनाव का सरकार में जब मुद्दा आप नहीं नहीं थे तब है, तो आप भी इसको मुद्दा राष्ट्रीय बना रहे थे जनता ना, तो दल का दूसरी पार्टी क्यों ना नौजवान बनाए? ठीक है, मैं राष्ट्र आपके पास की आऊंगा आऊंगा जिम्मेदारी आऊंगा है, आऊंगा दोबारा आपके बेरोजगारी पास है, आऊंगा। राम सागर सिंह लोगों की साहब, जान राम बचाऊंगा। सागर सिंह साहब,
नौकरी के लिए सर मैं बार बार बोलता हूं, और ये अब आपके पार्टी की तरफ से जितने प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते कहते हैं सर हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे। लेकिन सरकार 3 महीने की हुई है, आप किसी भी सरकार को 6 महीने का वक्त देते हैं फिर भी हम उनसे सवाल दागते हैं। लेकिन सवाल सर बीजेपी से भी हो जाता है इस पूरे मामले पर, 3.5 साल से ये बच्चे भटक रहे हैं सर। व्यवस्था सुधारने के लिए जो काम आप लोग आज कर रहे हैं, संजय जायसवाल जी जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं मिलने के लिए, ये काम पहले क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए संजय जी, मैं एक बात बड़ा ईमानदारी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। चितरंजन जी तो बेचारे हैं, क्या करेंगे, ये महाठग के साथ महाठग बंधन किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही हमारे भी मुखिया वही थे और इनके भी वही मुखिया हैं, और नीतीश कुमार महाठग है, वो ठगने के माहिर कलाकार है, तो ये भी ठगाएंगे। हमारा जितना दबाव बनता था, रितेश पांडे जी ने एक बात कहा कि हम लोग थोड़ा सा दबाव बना करके, और जब इस बार हमारी सरकार बन रही थी तो मेरी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार जी को यह कहा गया था कि आप शिक्षा विभाग मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए था कि शिक्षा विभाग में काफी गड़बड़ियां हो गई है जो चयन का तरीका है, क्योंकि मैं मेडिकल से पहले आप डॉक्टरों की भी जो होती थी का चयन MBBS में पढ़ाई के लिए, वो पहले मार्क्स पर होते थे, बाद में वो कंपटीशन के द्वारा होने लगे। इंजीनियरिंग में भी पहले मार्क्स पर होते थे फिर कंपटीशन से होने गए। जो टीम मैन कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे कि हो सकता है किसी कारणवश किसी का मार्क्स कम हो, किसी का पैडी नहीं हो बेचारे का, तो उसको कम मार्क्स आए हो तो कंपटीशन कर देते तब इसका समाधान निकल सकता था। जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में कंपटीशन हुआ है वो मार्क्स पर आधारित नहीं रहा है, वैसे ही चयन प्रक्रिया में भी करें। नीतीश कुमार जी जो पंचायत को दे दिए थे शिक्षक चयन का दायित्व, वहीं से शिक्षा गड़बड़ाया है बिहार में। नहीं सर, नहीं, वो तो सही है, सारी चीजें आप बताइए सर, मेरा सवाल उससे नहीं है, ये आप बिल्कुल तर्क दे रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े वो तर्क दे। सवाल मेरा ये नहीं सर, सवाल आप दो लोग, मैंने कहा ना 5 साल की सरकार होती है, 5 साल में अगर हमें ये तर्क देते रह गए तो फिर तो सर बच्चों की उम्र निकल जाएगी। आज चाय बेचने को कोई मजबूर है, कल ठेला लगाने को मजबूर जाएगा, परसों सब्जी बेचेगा। बताइए ये वेल एजुकेटेड होके बच्चे, वेल एजुकेटेड होके सर, सिर्फ हम इतना सुने कि 2 साल 1 साल 1.5 साल 3 साल हमारे लिए लग जाएगा, हम मतलब इंतजार करते रह जाएं। जिस उम्र में ये बच्चे होते हैं हमारे, आपके सबके कॉमन घर के बच्चे होते हैं, पढ़ के नौकरी पाना चाहते हैं, हमारे घर की भी बच्चियां हैं, तो वही तो कह रहा हूँ सर, तो इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है? घर की बच्चियां भी हैं, इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है फिर? अब चितरंजन गगन जी जो ये कह रहे थे केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बात कर रहे थे, तो जनसंख्या नियंत्रण कर करके कहीं कुछ बात आती है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की बात आएगी तो ये हिंदू मुसलमान कर देंगे, हिंदू मुसलमान करके उस बात को डाइल्यूट कर देंगे। तो इसमें कौन सा आ रहा है सर? इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं आ रहा, नहीं तो सबके लिए है। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अभी 2 महीने पहले देखिए जो बड़े अधिकारी थे, रुतबेदार अधिकारी थे, अरे क्या ही कहा जाए, सिस्टम को डंडे भाज रहे थे, एक अभ्यर्थी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, नौकरी मांगने पर डंडे मिल जाते हैं, बताइए नौकरी तो मिलती नहीं है। संजय जी, जब तक कमीशन नहीं आ जाता है, नीतीश टैक्स नहीं मिल जाता है, तब तक बहाली नहीं होती है, बहाली में देरी का एक बहुत बड़ा। तो क्यों अलायंस के लिए छटपटा रहे थे आप लोग सर? मैं तो यही पूछ रहा कि अगर इतनी कामियां इतनी खामियां थी तो वाकई में उसी दौरान आप लोग अलायंस छोड़ दिए होते, और इन युवाओं के कंधे पर कम से कम इतना तो सहारा होता कि कोई पार्टी साथ में खड़ी है। लेकिन जहां पर सत्ता की मलाई मिलती है वहां पर सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। मैं सारी पार्टियों को कह रहा, सत्ता में आने के लिए सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं, विपक्ष में बैठने के बाद सारे बड़े मुद्दे हो जाते हैं। ये इस देश की सच्चाई है और यही कारण है, चाहे देश का कोई कोना उठाकर देख लीजिए, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, आज युवाओं की इतनी बड़ी फौज सर, आप दोनों लोगों से मैं बोल रहा, इतनी बड़ी फौज सड़कों पर घूम रही है जिनके लिए व्यवस्था करना मुश्किल है, वो वेल एजुकेटेड होकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज बेचारे सड़कों पर ठेले लगाने के लिए मजबूर है। मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है चितरंजन जी एक सेकंड सर, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों इस बात को लेकर जवाब दे दे वाकई में कि हमने इतने